गाइस वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास 3200 है, आप देखिए। और इसमें जो है ये पूना से भेजे हैं, तो इनको मैंने बताया था कि आईसी निकालने के लिए, तो इन्होंने आईसी निकाल दिया है, जितनी भी आईसी लगी सब निकाल दिया, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी समझ लो हम ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के बाद अभी पहले देख लीजिए इसमें बीटी पे है। इसमें TAS5538 IC लगा है, उसका भी फॉल्ट रहेगा तब भी जो है ये प्रोटेक्ट जाएगा। साउंड बोर्ड में देखिए अब प्रोटेक्ट आने लग गया, प्रोटेक्ट पुश पावर। तो अगर ये हम स्ट्रिप निकाल देते हैं, स्ट्रिप निकाल देते हैं तो प्रोटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साउंड बोर्ड लगाते ही वो प्रोटेक्ट मानने लगेगा और ये 54 वोल्ट सप्लाई आती है वो सप्लाई आकर चले जाएगा। अब इन्होंने जो जो मैंने इसमें आईसी वीडियो में बताया था इन्होंने सब निकाल दिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो और इन्होंने ट्रैक भी काट दिया है, यहाँ पे देखिए ये ट्रैक भी काट दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो देखते रहिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। बोर्ड थोड़ा रस्टी दिख रहा है मुझे, और ये आईसी ख़राब रहेगी तो भी प्रोटेक्ट मारेगा, तो भी प्रोटेक्ट शो करेगा ये 5538। TAS5538 ये आईसी ख़राब रहेगी तो भी प्रोटेक्ट मारेगा। आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम था इसमें और कैसे सॉल्व होगा, आप देखते रहिए। गाइस मैंने बताया था आपको कि इसमें प्रोटेक्ट कैसे निकलता है, आपको मैंने बताया था इसमें पूरा ट्रैक कट करना और उसके बाद ये आईसी सब निकालना, उसके बाद भी इसमें प्रोटेक्ट आ रहा था। अब देखिए ये 5538 ख़राब था इसका, अब देखिए TAS5538। तो ये आईसी डालने के बाद ये एकदम कंप्लीट चालू हो गया है, अब मैंने टीवी में लगा के रखा है, आप देखिए। नॉर्मली कुछ भी चेक करना हो तो एकदम परफेक्ट प्रोटेक्ट ख़त्म हो गया है, परफेक्ट चालू हो गया। अब टीवी में देखेंगे तो मैंने टीवी में लगा के रखा है, टीवी थोड़ा वो किया है, परफेक्ट काम कर रहा है। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको इंक्वायरी चाहिए या कुछ स्पेयर पार्ट तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मॉडल नंबर 3200 है। थैंक यू।